Hello student, you are welcome to Dasar English Grammar. Student, today our topic is narration part 23. In narration part 23, I discussed about how can change exclamatory sentence in direct into indirect speech, which is very important topic for those students who are preparing for the 10th board and 12th board, because the related of exclamatory sentence in narration, there may be asked a question in your examination. So don't worry, try to understand what is the trick. Trick is very important to solve your question. So now let us start. Before it, you take a pen and copy and sit down and point out important which is benefit for you. Because if you practice yourself, you can solve any problems related to narration. Now let us start. जैसे आपका रहेगा they said, तो इसको कैसे लिखेंगे? They said, exclaimed with joy. Joy खुशी है. खुशी को व्यक्त करने के लिए हम जॉय का प्रयोग करेंगे. फिर दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो दे है, तो दे हैड वॉन द मैच. आपको केवल ट्रिक समझना है कि कैसे चेंज किया जाता है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, इसको समझ लेना है, राइट. फिर आता है व्हाट अ फूल आई एम. यहाँ पर कुछ दुख को व्यक्त करना है, वो अपने आप को रिग्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम देंगे ही एक्स क्लेम विद सॉरो. क्या देना है? सॉरो. दैट आपको समझना है कि कैसे चेंज करना है. दुख को व्यक्त करने के लिए सॉरो, राइट, विथ एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट आई, और इज एम आर को क्या चीज में बदल देना है? वाज, यानी आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. यहां पर आपका ही हो जाएगा. ही वाज अ ग्रेट फूल, राइट. ये सॉरो है, एक्लेम्ड विथ सॉरो, यानी ये तरीका इसको समझना है. ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन, तो सही ऑप्शन देख करके आपको सही ट्रिक लगा देना है. जैसे ही सेड, अल्लाह दुख को व्यक्त कर रहा है, तो आप इसमें सॉरो भी दे सकते हैं और विद एक्स क्लेम्ड विद सॉरो, राइट. ही एक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज कैट हैड डेड. क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है. सारा रूल पहले की तरह आता है. जब हमने पढ़ाया था पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, स्टेप बाय स्टेप मैंने दिया था. क्योंकि अब ये फिनिश होने के कगार पर है, ट्रिक सब समाप्त होने के कगार पर है, इसलिए मैं कुछ एग्जांपल के साथ समझा दिया. इस हिसाब से आप देखते रहेंगे, इसके पहले वाले वीडियो को आप लाइक देखते रहेंगे और सीखेंगे. इससे पहले मैंने बहुत सारे पार्ट को दिया है, उसको एक एक करके समझेंगे क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, क्या कैसे बदला जाता है, इसको आप रिवाइज करते रहेंगे, राइट. फिर नेक्स्ट में क्या है? सी एक्स क्लेम्ड विद डिस्गस्ट. डिस्कस भी दे सकते हैं,
डिसगस्ट यानी घृणा के लिए, घृणा के लिए हम डिसगस्ट दे सकते हैं, है ना। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें मैं मी डाल देता हूं, यानी आई हैव को मतलब हैड में बदल, पास्ट इंडेफिनिट को हैड में बदलना है। आई हैड चीटेड, आई हैड चीटेड हर, इस हिसाब से आप बदलेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक को समझेंगे और अच्छा से अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने बहुत सारा डिटेल दिया है इससे पहले के वीडियो में, उसको आप प्लीज देखेंगे। मैंने वॉइस को दिया है, मैंने टेंसेस से रिलेटेड दिया है। अब जो हमारा शुरू होगा वो स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर होगा मॉडल से रिलेटेड, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको जरूर देखेंगे, बहुत जल्दी आने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। और मॉडल जो एक्सिलरीज वर्ब होते हैं, इसके लिए आप जरूर तैयार रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।